जैन गाइस, दिस इज दीपेश और आप देख रहे हैं टेक ट्यूटर्स, जहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में माइनिंग और माइनिंग सर्वे का जो डिप्लोमा एजुकेशन का होता है उसका कोचिंग आपको इस चैनल में मिलता है। जैसे कि आप इस समय इमेज अभी अपने स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं वो एक वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल की तरफ से नोटिस आता है। उस नोटिस का है और डेट दिया हुआ है 9 जुलाई 2021, जिसमें आप लोग इसके ये नोटिस के रिगार्डिंग वीडियो नहीं, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, नोटिस के रिगार्डिंग वीडियो 10 घंटे 12 घंटे पहले ही बना चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे लोग, जिसमें आपको बहुत सारा कुछ बता दिया गया। सारा कुछ नोटिस का 10 घंटे 12 घंटे पहले बन चुका है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने जान लिया है कि नोटिस में क्या है क्या नहीं है। जिसमें अगर समरी में बता दूँ तो एक यूज़र आईडी दिया जाएगा WBSCT काउंसिल की तरफ से हमारे जो भी कॉलेज हैं उसके रिस्पेक्टिव HOD को, और HOD जो HOI को, और वो जो है ईमेल आईडी 2 और 3 ईमेल आईडी इस तरह के बनाएंगे और शेयर करेंगे रिस्पेक्टिव टीचर्स को, और वो जो है उसी आईडी से फिर आप लोगों को गूगल मीट में ज्वाइन होगा। फिर वहाँ पर आप लोगों को कैमरा ऑन करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम जो है 45 मिनट का होगा, 20 मार्क्स का, और 30 मिनट का होगा 10 मार्क्स का। और उसके बाद 5 मिनट पहले आप लोगों को जब पेपर मिल जाएगा वो हो गया, एग्ज़ाम 45 मिनट के होने के बाद एक्स्ट्रा 15 मिनट दिया जाएगा सबमिट करने के लिए शीट। उसके बाद आप लोगों को अगर मान लीजिए बहुत होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है और गया कि नहीं गया, आंसर शीट कन्फ्यूज़न होता है, तो इसके लिए क्या होगा कि उनके तरफ से जो हम कॉलेज है आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज, उनकी तरफ से व्हाट्सएप या ईमेल किसी में भी आपको कंफर्मेशन आएगा कि हाँ आपका आंसर शीट एक्सेप्ट हो चुका है, उनको मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद और क्या बचा हुआ है कि जब आप लोग क्लास में गूगल मीट में जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप लोगों को कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, और उस समय कम से कम 2 टीचर्स रहेंगे आपके साथ गूगल मीट में जो आपको वहाँ पर निरीक्षण करेंगे कि एग्ज़ाम ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे कि आप उस कॉलेज में जाके एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरह से माहौल बनाया रहेगा गूगल मीट में। इंटरनल असेसमेंट में इंटरनल टीचर रहेंगे और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में एक्सटर्नल टीचर रहेंगे, जैसे कि डेट भी आप लोगों को बता दिया गया है 15 तारीख से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है 4th और 6th सेमेस्टर का। ये तो समरी था, लेकिन गाइस जहाँ तक आपको मैं बता दूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो है ये इस तरह का जो नोटिस आप लोगों को मिला ये सही नोटिस है, ये मुझे लगता है कि फेक है, क्योंकि अभी तक WBSCT की जो ऑफिशियल काउंसिल है उसमें अभी तक ये जो नोटिस अभी तक आया नहीं है, अपलोड नहीं हुआ है। और अगर ध्यान से देखेंगे आप इस नोटिस को तो आपको देख के लगेगा कि ये एक पेपर से कैम स्कैनर के थ्रू या डॉप स्कैनर के थ्रू जो स्कैन किया गया PDF लग रहा है, जो कि किसी की खुरापात भी हो सकती है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा श्योरली कि ये जो है फेक नोटिस है या फिर सही नोटिस है, क्योंकि अभी तक जो है वेस्ट बंगाल काउंसिल ने अभी तक इसको सही तरह से अपनी तरफ से नहीं बताया कि हाँ इस तरह कुछ एग्जाम होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता तो कल रात में वीडियो आ गया, लेकिन अभी तक वेस्ट बंगाल काउंसिल में काउंसिल के साइट में PDF अपलोड नहीं होगा, इतना तो स्लो नहीं है वेस्ट बंगाल काउंसिल, ठीक है। तो पहला एक कारण हुआ कि फेक लग रहा है, दूसरी ये है क्योंकि अगर आप लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे कुछ इस तरह से कि अगर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये तो PDF है, ये कुछ अदर नोटिसेस है जो मैंने डाउनलोड किया वेस्ट बंगाल काउंसिल से साइट से। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका बनावट देखिए, और इस इमेज का बनावट देखिए, अगर देखेंगे ध्यान से इसका लोगो देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट में पूरा स्कैन किया हुआ, और ये देखिए जो ओरिजिनल नोटिस जो आप लोगों को मिलते आया आज तक, इसको अगर थोड़ा कंपेयर करते हैं एक साथ में तो ये है वो इमेज जो आप लोगों को मिला है कल, और ये ओरिजिनल जो रेगुलर इमेजेस मिलते हैं आप लोगों को ज़्यादातर, आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते ध्यान से ये वाला सेक्शन देखिए, उसके लिए सेक्शन देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये कलर्ड है। दूसरा बात यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन का ये सेक्शन देखिए, और नोटिफिकेशन का ये सेक्शन देखिए, डिफरेंस लग रहा है यहाँ पर आप लोगों को देखने में। यहाँ नोटिफिकेशन बोल्ड है लेकिन अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। और उसके बाद क्या है कि इसको एक ऐसा लग रहा है कि पेपर पर प्रिंट आउट निकाल के इसको स्कैन किया, और यहाँ देखिए आपको देखिए लगेगा नहीं कि यहाँ पर पेपर में प्रिंट आउट करके स्कैन किया हुआ, लगता है कि कंप्यूटर में लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि ये एक नोटिफिकेशन हुआ जो कि प्रोग्राम था डिप्लोमा इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी के पार्ट टाइम जो कोर्सेस है उसका एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और ये इमेज को मिला ये हुआ। फिर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो CAO है, जो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नाम है श्रीमती सकीजा मुनेजा, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, उनका यहाँ पर साइन दिया हुआ है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। लेकिन जैसे कि मैं बता दूँ इससे पहले जो भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को नोटिसेस मिले हैं वहाँ पर CAO का नहीं, SAO जो कि है कौशिक बंदोपाध्याय, माननीय कौशिक बंदोपाध्याय, उनका साइन दिया हुआ है। जितना भी आप अगर जेक्सपो का भी फॉर्म फिलअप कर करिए एग्जामिनेशन रिगार्डिंग तो वहाँ पर भी आपको जो SAO और ब्रैकेट में एग्जामिनेशन लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। तो हो सकता है कि अगर ये नोटिस अगर ओरिजिनल होगा तो यह अभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ अधिकारी हैं उन्हें तक सीमित रखा गया है कि इस पर विचार करेंगे, अगर ये अगर सही होगा तभी इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स तक।
हो सकता है कि इसको अभी बीच में से रखा हुआ है पोस्टपोन पे से विचार करने के लिए जो भी महानुभाव वहाँ पर बैठे हैं अधिकारी, ठीक है, इसलिए हो सकता है सिर्फ इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का साइन है, लेकिन जो पास करेगा जो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का वेस्ट बंगाल काउंसिल में, जो कि माननीय कौशिक बंदोपाध्याय जी हैं जिनका साइन आपको ज़्यादातर मिलता है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ ऐसा एक आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है। ऐसा बहुत सारा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट में जाकर और खुद से इसको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी फेक अगर होगा तो आप लोग इस तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद अब ये करिए कि फेक है कि ओरिजिनल, लेकिन अगर तब भी विश्वास रखें अगर ये ओरिजिनल भी होगा ना तो कोई डरने की बात नहीं है। इसके ऊपर भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा, मैं सर्च कर रहा हूँ खुद भी अभी भी कि ये ओरिजिनल है कि फेक है, और अगर ओरिजिनल है तो इसको किस तरह से हम लोग एग्ज़ाम देंगे, सारा प्रोसेस मैं जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ आप लोग। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो दोस्त अभी तक कन्फ्यूजन में है इस नोटिस के रिगार्डिंग, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।